सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। राजपूत केस में सबसे ज्यादा एक नाम सवालों के घेरे में है, ये नाम है सिद्धार्थ पिठानी का। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि सिद्धार्थ पिठानी आखिर है कौन। सुशांत के साथ 4 लाख रुपए महीना किराए के फ्लैट में रहने वाला सिद्धार्थ पिठानी सुशांत का कम और रिया चक्रवर्ती का खास दोस्त ज्यादा था, जो इस केस में मुख्य आरोपी भी है। बैकग्राउंड की बात करें तो सिद्धार्थ का जन्म 27 मार्च 1993 में तेलंगाना में हुआ। वो तेलंगाना के हैदराबाद से आता है और एक बेहद साधारण परिवार है उसका, यानी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता है। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद से की और इसके बाद उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही उसे एक्टिंग और डिज़ाइनिंग का काफ़ी शौक था, इसलिए वो एक बड़ा एक्टर बन के नाम कमाना चाहता था या फिर वो डायरेक्शन में जाना चाहता था। इसलिए एक तेलुगु मूवी से उसने एक्टिंग की शुरुआत भी की और साल 2015 में एक्टिंग की दुनिया में उसने कदम रखा। लेकिन जब एक्टिंग की दुनिया में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया तो डायरेक्शन में हाथ आजमाया और जयपुर की एक डिज़ाइनिंग कंपनी में बतौर डायरेक्टर वो काम करने लगा। लेकिन फिर कुछ बड़ा करने के मन में लेकर वो मुंबई आ गया। वहाँ पर काम तो मिला नहीं, लेकिन सुशांत से दोस्ती करने में वो कामयाब हो गया। सुशांत ही नहीं बल्कि रिया भी सिद्धार्थ की अच्छी दोस्त बन गई थी और तीनों एक ही फ्लैट में रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो दवाएं सुशांत को रिया दिया करती थी और उन पर ये आरोप लगे कि वो दवाएं सुशांत को वो पागल बनाने के लिए दे रही थी, वो दवाएं भी सिद्धार्थ पिठानी ही लेकर आता था। इस पूरे केस में पिठानी एक ऐसा शख्स है जो कि बेहद संदिग्ध है और शक के दायरे में है। पहला इसलिए क्योंकि वो बार बार अपने बयान बदल रहा है, दूसरा इसलिए क्योंकि सुशांत के परिवार का कहना है कि वो लगातार उनके परिवार के संपर्क में था, लेकिन अचानक उसने यूटर्न ले लिया और परिवार पर ही झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने रिया तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और रिया के हर कारनामे में उसका साथ दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिद्धार्थ पिठानी के बारे में ज्यादा सूचना इंटरनेट पर भी नहीं है। एक शातिर अपराधी की तरह सिद्धार्थ के चेहरे पर झूठ बोलते वक्त शिकन तक नहीं आती। उसने कई तरह की कहानियां बनाकर इस केस को गुमराह करने की तमाम कोशिश की है, लेकिन अब इस केस की तफ्तीश CBI कर रही है और दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तो ये थी सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य संदिग्ध सिद्धार्थ पिठानी पर बनी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट सही लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।